हेलो स्टूडेंट तो स्पर्धा सीरीज में लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो आ, आपको मैंने सात इनका डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं क्यों बनाते हैं मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कुछ भी रटना नहीं है जैसे ग्यारह का हमने दो तीन तीन या चार डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि दो दो का पेयर बना लें तीन तीन का पेयर बना लें एक एक का पेयर बना लें और बगल बगल डिजिट का भी हम लोग प्लस uh, माइनस करके वहां से भी आंसर निकाल सकते तो वो हमने किया हुआ था प्लस हमने ये भी देखा हुआ था कि जैसे अगर हम सात ग्यारह पढ़ रहे बी ए बी संख्या लिखी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू वन जीरो वन मतलब ये संख्या एक सौ एक से डिविजिबल हो रही होगी अगर मान लो हमने देखा था कि अगर ए बी सी ए बी सी दिया हुआ है तो ये संख्या आपकी एबीसी इंटू वन थाउजेंड वन होती है इसका मतलब हुआ ये संख्या 10001 से डिविजिबल होगी और ये होता है 7 into 11 into 13 तो मतलब ये संख्या आपकी 7 11 13 से भी डिविजिबल हो रही होगी अब देखो यहाँ पे इसको दो तरीके से देख सकते हैं अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कोई संख्या दे रखी है आपकी एबीसी एबीसी

तो समझ में आ गया लेकिन जब घर गए तो हमें समझ में नहीं आता है देखो मैं एकदम सिंपल सा आपको बताता हूँ जो मैथ सीखने का तरीका होता है सबसे पहला क्या होता है सबसे पहले आपको ना कॉन्सेप्ट को समझना होता है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझो जितना आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को अब बच्चा कॉन्सेप्ट समझ लेता है फिर क्या करता है सीधे वो क्वेश्चन पे चला जाता है सीधे वो क्वेश्चंस पे चला जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके बीच में एक स्टेप और आता है उस स्टेप का नाम है मेंटल मैपिंग मेंटल मैपिंग जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो सबसे पहले आपको ना अपने दिमाग में उसका एक मेंटल मैपिंग करनी पड़ेगी अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है तो होता क्या है कि बच्चा यहाँ से एक हजार एक को हम सात ग्यारह तेरह ये तीनों गुणा करने पे एक हजार एक मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा कोई चेक नहीं करता सारे लोग क्या है सारे लोग बस सीधे सुन लेते यहाँ पे आ जाते हैं जब भी आप इसको पढ़ो अब, अब आपका अगला स्टेप क्या होगा थोड़ी देर इस पे आप हिट एंड ट्रायल करो इस संख्या को भाग देकर देखो इससे देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर थोड़ा सा मेंटल मैपिंग करो अच्छा इसका मतलब हुआ हुआ अगर कहीं पे 8, 4, 5, 8, X, y दिया हुआ है तो मतलब ये संख्या अगर सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल है तो एक्स और वाई की वैल्यू यही फोर एंड फाइव होगी थोड़ा दो चार हिट एंड ट्रायल करो अपने दिमाग में देन एक दो क्वेश्चन अपने आप से और पूछो कि भाई अगर ऐसा कहीं आ जाए कि ए बी सी एबीसी या फिर एबीसी तीन बार आ जाए फिर क्या होगा फिर अगर डाउट है यहाँ पे तो आप फैकल्टी के पास जाओ तो इस तरीके से जो मेंटल मैपिंग वाला काम है ना ये आप मिस कर देते हो सीधे कॉन्सेप्ट समझ के आप क्वेश्चन पे कूद जाते हो इसीलिए आपका मैथ समझ में नहीं आती जब आप घर जाते हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस थिंग जब बच्चों से बात की तब तो समझ में आया कि दे आर मिसिंग दिस पार्ट और इसीलिए वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते क्लास में समझ में आ जाता है लेकिन आपको वहां पे जब घर जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है तो देखो लॉजिक क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है मेंटल मैपिंग बनानी है फिर आपको क्वेश्चन पे जाना है इस प्रोसेस को फॉलो करोगे मैथ्स कभी दिक्कत नहीं आएगी तो एबीसी एबीसी है तो ये सेवन इलेवन थर्टीन से डिविजिबल होगा आपने सुना रट लिया अरे भाई घर जाओ थोड़ा प्रैक्टिस करो इस पे सही में करके देखो कोई संख्या दे रखी है वन टू थ्री वन टू थ्री देखो भाग देखिए कि एक से डिविजिबल हो रही कि नहीं हो रही है देखो सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है जब आप इसकी प्रैक्टिस करना चालू आपको लगता है बेकार का समय है क्यों करें प्रैक्टिस मुझे तो कॉन्सेप्ट तो आप कभी आप उसको समझ के नहीं करोगे लेकिन आपने थोड़ा प्रैक्टिस की घर जाके इसको समझा अब आप पाओगे कि आपका वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे हैं और बाकी क्वेश्चन भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है अच्छा ऐसा भी होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्या मैं अगर सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल है तो क्या सेवन से भी डिविजिबल होगी आपके दिमाग में आना चाहिए क्या 11 स, uh, 13 करने तब भी 143 से भी डिविज से डिविजिबल डिविजिबल होगी तो करके देखो देखो आप इसको देखो हो रही है कि नहीं हो रही है और अगर इस तरह से आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए फिर वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपके लिए आसान हो जाएगा तो ये एक थोड़ा सा आप ध्यान देके देखो तो हमने क्या सीखा संख्या ए ए बी सी बी सी के फॉर्म में है

अब देखो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एस सी में 2021 में सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर एक नंबर नंबर दे रखा है ए टू थ्री पी टू क्यू और ये एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है सात ग्यारह तेरह से अब देखो अब सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल है ठीक है तो अब अगर ये सात ग्यारह तेरह से डिविजल है तो अभी हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या अगर सात ग्यारह से डिविजबल होगी तो हमेशा और ये भी एट टू थ्री आगे भी होगा क्योंकि एबीसी के फॉर्म में होगी तो P बराबर क्या हो जाएगा P बराबर एट हो जाएगा और Q बराबर क्या हो जाएगा Q बराबर तीन हो जाएगा तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो बराबर एट क्यू बराबर तीन अब पूछा क्या गया है पी माइनस क्यू का मान पूछ रहा है आपसे तो पी माइनस क्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस ये आपका फाइव आंसर आ जाएगा फाइव आपका आंसर आ जाएगा तो क्या हुआ एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगा अगर सात ग्यारह तेरह से डिविजल है और मैंने पाया है कि इस पर एक क्वेश्चन आपका बन ही रहा होता है अब अगर आपने थोड़ा सा इस पे मैंने कहा ना हिट एंड ट्रायल कर लिया करके देख लिया 77 से डिविजिबल डिविजिबल है है 143 से कि नहीं तो क्या होगा ना कि आपको एग्जाम में रटना नहीं है कुछ क्योंकि आपने उस प्रोसेस को पूरा किया हुआ है तो कई बार क्या होता है कई बार आपको कॉन्सेप्ट पता होता है कई बार आपको प्रोसेस पता होता है एग्जाम में तो हर तरीके से जब आप करोगे तो मैथ्स आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन दे रखा है छह अंकों की संख्या है ये भी देखो सात ग्यारह तेरह से ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है संख्या क्या है फाइव सेवन जेड x y एट ये आपकी संख्या दे रखी है और ये भी आपका दिया हुआ है कि सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल है अगर कोई संख्या सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल है तो ए बी सी ए बी सी के फॉर्मेट में होगी अब ये ए बी तो मतलब फाइव सेवन अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी जेड मान लो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो सी होगा भाई ये ए हो गया ये बी ये सी ये ए ये बी ये सी तो जेड की वैल्यू सी है ये बी सी है तो इसका मतलब जेड क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा और एक्स क्या है इसके कंपेयर करूं तो ए है तो ए बराबर फाइव है ये सेवन है ये एट है तो देखो फाइव सेवन एट फाइव सेवन एट आपकी वैल्यू है अब पूछा जो भी पूछा हुआ है वो आप निकाल दो तो एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड x की वैल्यू आ गई सॉरी x आ गया आपका फाइव रखेंगे y आपका आ वैल्यू आएगी तो ये प्लस तेरह तो 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 था माइनस चौदह में था तो इसलिए आपकी माइनस वन वैल्यू यहाँ पे आंसर आ रहा है तो ये सिंपल क्वेश्चन है पूछने कुछ भी पूछ सकता है आपसे बस आपको ये लॉजिक ये वाला पता होना चाहिए ओके okay, एक संख्या दे रखी है वन सेवन ए टू सिक्स ये आपकी सेवन से डिवाइड हो रही है तो ए का मान बताना है देखो जनरली ना सेवन वेवन का जब डिविजिबिलिटी रूल पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो तीन तीन का पेयर बनता है ठीक है ना जैसे कि हम लोग क्या करते हैं मान लो कोई संख्या दे रखी है ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस सी यू ऐसे दे रखा है हम तीन ये तीन का या ऐसे कर सकते हो ये तीन 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 ये प्लस होगा ये माइनस ये प्लस 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 ये माइनस तो या तो या आप प्लस प्लस वाले को जोड़ दो माइनस 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 वाले को जोड़ दो दो और फिर फाइनली माइनस कर दो। या फिर आप अल्टर इस तरह भी कर सकते हो इसको, इसको इसको माइनस कर दो इसको इसको माइनस कर दो फिर जो आ रहा है आप उसको क्या नाम है प्लस कर दे रहेगा जो भी बचेगा प्लस में हो जाएगा आपका तो लॉजिक क्या होता है कि आप कैसे भी इसको तीन तीन का पेयर बना के कर सकते हो अब जनरली अगर कोई मान लो बहुत ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है साथ से भाग देने को बोल रहा है तो मैं सजेस्ट करता हूँ दे तो कर जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखू मैं पेयर बनाऊ ये तीन का एक पेयर और यहाँ पे तीन संख्या ने तो मैं जीरो लगा दूंगा वो एक पेयर बन जाएगा अगर मैं डिफरेंस लू तो क्या हो जाएगा ए टू सिक्स और दूसरा है हमारा सत्रह

पहला ऑप्शन छे दे रखा है मैं यहाँ पे छ रखू तो आठ सत् छप्पन चार बच गया चांस की बात है कि ए ही हमारा सही आंसर है बाकी आप कोई भी वैल्यू रख के देखोगे मान लो पांच रख के देख लू या मैं तीन रख के देख लू या, या मैं चार रख के देख लू तो हमें आंसर सही नहीं मिल रहा होगा तो सिंपल सा है हम किसी भी तरीके को समझ सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं अब एक संख्या ये भी देखो दे रखी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है संख्या दे रखी वही सेम चीज है सात ग्यारह तेरह से डिविजिबल है तो संख्या हो जाएगी फोर सेवन नाइन और ये भी आगे भी फोर सेवन नाइन आ जाएगा और ये आपका एक्स है ये आपका वाई है ये आपका जेड है पूछा क्या गया है वाई प्लस जेड अपॉन एक्स वाई प्लस जेड नौ प्लस सात सोलह अपॉन चार आपका ये चार आंसर आ जाएगा कुछ नहीं करना बस ये पता हो सात ग्यारह तेरह वाला कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो और मैंने आपसे कहा कि हियर एंड देयर किसी न किसी एग्जाम में सीपीओ में एमटीएस में सीएचएसएल में या फिर आपका सीजीएल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टकरा जाएगा ही आपसे तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लो आसान हो जाएगा आपके लिए अब एक क्वेश्चन दे रखा है यदि पांच अंकों की संख्या 593ab संख्या दे रखी है 593ab ये आपकी डिविजिबल है 3 7 और 11 से अब देखो ये संख्या 3 7 और 11 से डिवाइड होने को बोल रही है तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अब वो नहीं कह रहा हमसे कि 7 11 और 13 से अगर 7 11 13 कहता तो और फिर 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए थी वहां पे ये तो हमको पांच ही अंकों की संख्या दे रखी है तो ऐसे केस में अब हम क्या कर सकते हैं क्या हम कोई डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लगा सकते हैं क्या हम तीन का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तीन का डिविजिबिलिटी रूल लगाने पे ए प्लस बी हमें दो वेरिएबल मिलेंगे नहीं मिलेगा ग्यारह का मान लो लगाते हैं तो यहां सारे हो जाएंगे ना। जैसे मान लो अगर मैं करूं इसको मान लो मैं तीन का डिविजिबिलिटी रूल लगाना चाहू यहाँ पे तो क्या होगा ये ये हो जाएगा फाइव प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस ए प्लस बी अभी कितना हो गया ये आ गया नौ तीन बारह या नौ पांच चौदह तीन सत्रह प्लस ए प्लस बी अब अगर आपका ये डिविजिबल है तीन से तो देखो A प्लस B की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है भाई हो हो जाए A प्लस B एक हो जाए तो अब ऑप्शन पॉसिबल जीरो वन हो जाए वैल्यू इसकी या फिर ए प्लस बी आपका चार हो जाए या फिर ए प्लस बी आपका हो जाए, नहीं, पे नहीं आएगा नहीं हो जाएगा सात हो जाए या फिर ए प्लस बी आपका दस हो जाए A, तो देखो आप मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे A plus B की आ जाएंगी तो मतलब ये वाला concept तो काम नहीं कर रहा है ये वाला concept तो काम नहीं कर रहा है अगर मैं ग्यारह का डिविजिबिलिटी रूल भी लगाता हूं तब भी बहुत सारे ऑप्शन और फिर तीन वाले डिविजिबिलिटी रूल में भी हमें बहुत सारी चीजें मिल रही होंगी तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक स्पेसिफिक तरीका है वो तरीका क्या है देखते हैं देखो संख्या कह रहा है कि फाइव नाइन थ्री ए बी आपका तीन सात ग्यारह से डिविजिबल है तो अगर मैं तीन सात ग्यारह से डिविजिबल है तो मैं तीन गुणे सात गुणे ग्यारह करू तो ये मुझे मिलेगा दो सौ इकतीस मतलब ये संख्या आपकी दो सौ इकतीस से भी डिविजिबल होगी ठीक है ना अगर कोई संख्या तीन सात ग्यारह तीनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है हमने सीखा हुआ है जैसे मान लो कोई संख्या आठ से डिविजिबल है तीन से डिविजिबल है दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो चौबीस से भी डिविजल होगी वैसे ही कोई संख्या दो सौ इकतीस दो सौ इकतीस से डिविजल है, है, तो मतलब है, है अब अगर ये संख्या दो सौ इकतीस से डिविजल है तो कैसे करेंगे देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव नाइन थ्री जीरो जीरो प्लस ए भी कर सकता हूँ कि नहीं मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसको 231 से डिवाइड कर रहे हैं और ये पूरी तरह डिवाइड हो जाना चाहिए मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए तो अब कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं सीधा लॉजिक क्या अपनाऊंगा मैं 59300 को 231 से भाग देके देख लूंगा और देखो कितना शेषफल हमारा बच रहा है जितना शेषफल बच रहा है उसके अकॉर्डिंग में तो दो बार जा रहा होगा तो दो एक कम दो तीन छो चार से दो गई एक नौ मे छो इकतीस बचा जीरो आया अब ये पांच बार जाएगा पांच इक्कम पांच पांच पंद्रह के पांच हाथ से लगा एक पांच दुनी दस और एक ग्यारह अब देखो आपका ये कितना बच रहा है दस म से पांच गई पांच, यहां भी दस हो गया गया में से से दो बचा एक ये आपका जीरो आ गया यहां से, जीरो आ लास्ट वाला छठारह छुनी बारह और तेरह ठीक है ना तो तेरह सो इक्यासी चौदह सौ पंद्रह सौ हाँ ठीक है अब कितना शेष फल बच रहा है नीचे नीचे हमारा काफी जगह कम बची हुई है हम सेल यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं बगल में शेषफल बचेगा दस में से गई चार, चार चार से आठ गई या चौदह हो गया चौदह मा से आठ गई छे यहाँ बच गया आपका चार चार से तीन गई आपका एक सौ चौसठ बच रहा है आपका ठीक है ना मतलब आपने जब इसको भाग दिया तो एक सौ चौसठ आपका बच रहा है ठीक है ना अब अगर एक सौ चौसठ बचा तो आप देखो आपको दो से भाग देना है तो अगर 231 से भाग देना मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि आप 231 31 का पेयर बना रहे थे अब जो भी आपका था इत, कुछ पेयर बनने के बाद कितने पेर बने? 256 पेर बनने के बाद 164 चीजें बच गई तो अगर आपको अगला पेयर बनाना है 231 का तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको इसमें इतनी संख्या जोड़ दो कि जिससे कि वो क्या हो जाए जिससे कि वो 231 बन जाए, तो अब मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये 231 बन जाए? अब अगर मुझे 231 बनाना है, तो इधर मेरा 31 हो गया, प्लस यहाँ पे मेरा 36 हो गया, तो 36 प्लस 31, 6, 7, 67 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब ये संख्या कैसी होगी? ये संख्या अगर ऐसी हो जाए, 59300 प्लस 67 तो मतलब यहाँ पे 67 आ रहा होगा अगर संख्या ऐसी हो जाए तो ये संख्या 231 से डिविजिबल हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे a और b का मान समझ में आ जाएगा कि a और b की वैल्यू कितनी आएगी तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी a और b की वैल्यू 6 और 7 आ गई अब पूछ क्या रहा है a2 b2 ab है तो अब इसे करके देख लेते हैं हो गया 36 माइनस बी का स्क्वायर उनचास प्लस 67 सत बयालीस ठीक है ना तो कितना हो गया ये 36 माइनस ये आपका सात हो गया ये आपका 29 आंसर आना चाहिए तो सही आंसर क्या आएगा सही आंसर आपका डी आएगा समझाने में थोड़ा हाँ थोड़ा ट्रिकी है ऐसा नहीं है कि अगर आप करके नहीं गए हो और सोचो कि एग्जाम में डायरेक्टली हिट करे तो कर भी सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लेगा ये समझ रहे हो ना तो मैथ्स में यही चीज होती है कि आपको ना चीजों को जानना होता है जब आप चीजों को जान जाते हो तो आपको वो प्रोसेस लर्न करना होता है कि भाई किस प्रोसेस के तहत इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आप एग्जाम में आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो तो अगर डायरेक्टली एग्जाम में आएगा आपने पहले नहीं लगा रखा है तब तो डिफिकल्टी होगी लेकिन अगर आपने पहले कर रखा है तब डिफिकल्टी नहीं होगी अब देखो यहां पे 3 7 11 की जगह तीन सात तेरह दे सकता है ठीक है ना या फिर सात तेरह सत्रह दे सकता है कुछ भी दे सकता है बस लॉजिक क्या लगाना है जो जो भी आपको दिया हुआ है अगर मान लो दे दे तीन सात तेरह तो आपको बस ये देखना है कि भाई वो संख्या अगर तीन सात तेरह से डिविजिबल है तो तीन गुणे सात गुणे तेरह से भी डिविजिबल होगी ठीक है तो उस लॉजिक के साथ आप इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके आप इस आंसर को आसानी से

ये टॉपिक होने के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि डिजिट्स निकालने वाला या लास्ट की जैसे मान लो हम लोग अब नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं नए कॉन्सेप्ट क्या आ रहे हैं कि जैसे इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक तो होता है नंबर्स और दूसरा होता है डिजिट्स दोनों में अंतर क्या है ठीक है जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि नाइन तो नाइन क्या है नाइन एक नंबर है ठीक है ना और अगर मैं डिजिट की बात करूं तो ये सिंगल डिजिट नंबर है ये सिंगल अगर मैं बोलूं ट्वेंटी अब ट्वेंटी क्या हुआ ट्वेंटी एक नंबर है सिंगल नंबर है ट्वेंटी लेकिन इसमें डिजिट कितनी है इसमें टू डिजिट है ठीक है ना कितने डिजिट्स हैं टू डिजिट है अगर मैं बात करूं 121 तो 121 एक नंबर है लेकिन यहाँ पर डिजिट कितनी है थ्री डिजिट्स हैं अगर मैं बात करूं 478954 अब ये एक नंबर है लेकिन यहाँ डिजिट कितनी है छह डिजिट हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कई बार वो नंबर देता है और पूछता है कि डिजिट कितनी होंगी अब ये सिंपल तो देगा नहीं कि आपको एक छह डिजिट का नंबर दे दिया और पूछ रहा बताओ इसमें डिजिट कितनी ये तो नहीं देने वाला है लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है कि सर ये क्या दिया हुआ है तो आप समझो कि दो चीजें होती हैं एक तो होता है आपकी संख्या संख्या मतलब वो एक नंबर की बात कर रहा है वो नंबर कुछ भी हो सकता है 1000 1 लाख 1 करोड़ 5499 599 47335 ये सब एक नंबर हैं लेकिन हमें जब उसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने रहते हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ डिजिट है तो हम क्या करते हैं कि भाई हम जैसे यहां ज्यादा सही रहेगा ये तो नंबर ऑफ डिजिट में हम क्या करते हैं कि भाई ये दो डिजिट है ये तीन डिजिट है ये छह डिजिट है, है ये सेवन डिजिट है ये फाइव डिजिट है ये टू डिजिट है और कुछ कुछ वन डिजिट के नंबर होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू एक क्वेश्चन वो ऐसे देगा वन टू थ्री फोर टिल मान लो दे दिया थर्टी फाइव मतलब एक संख्या लिखी आपने और कितने डिजिट है इस संख्या में पैंतीस डिजिट हैं। जैसे आपने यहां पे एक संख्या लिखी थी अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं तो हम कहेंगे छह है वैसे ही ये भी एक संख्या है अब बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि यार ये वन टू थ्री फोर भाई अगर मैं देखूँ तो ये भी तो एक नंबर ही है ना 1234 एक नंबर है कि नहीं है तो वैसे ही एक नंबर लिखा गया है और उस नंबर में कह रहा कितने डिजिट्स हैं उस नंबर में डिजिट्स हैं 35 बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये क्या कह रहा है बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इसका मतलब हुआ ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं ये गलत चीज है ये आपका गलत चीज है ये चीज ये नहीं है देखो यहाँ पे जो डिजिट्स होंगे ना वो हमको नहीं पता कितने होंगे अब हम काउंट कर सकते हैं हम निकाल सकते हैं एक पैटर्न के द्वारा लेकिन ये 35 डिजिट बोल रहा है अगर वो ऐसे दिया होता क्वेश्चन वन टू थ्री फोर डॉट डॉट सो ऑन थर्टी फोर थर्टी फिर इसका कुछ नाटक चालू हुआ जो लास्ट टाइम हो रहा था आई होप मेरा कुछ शर्ट वर्ड छू जाती है इस कारण से ऐसा कुछ हो रहा होता है तो अगर मान लो कुछ ऐसा दे रखा है, तो मतलब है? है यहाँ पे वो पैंतीस डिजिट बोल रहा तो अंतर समझो दोनों का और देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को तो पहले हम लोग सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम लोग करने की कोशिश करते मान लो एक संख्या कुछ ऐसी लिखी हुई है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन संख्या लिखी हुई है तो इसी संख्या को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं वन टू थ्री फोर डॉट 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 सो ऑन सेम ही है क्योंकि अगर आप काउंट करो तो इसमें एक दो तीन चार पांच छह टिल नौ डिजिट तक है तो दोनों चीज सेम हो गई लेकिन अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इलेवन क्या अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं वन टू थ्री फोर टिल इलेवन डिजिट तक है क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या दोनों सेम है करके देख लेते हैं यहाँ पे नौ तक था नौ डिजिट भी थी यहाँ पे काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब देखो नाइन के बाद क्या हुआ आपको डिफरेंस देखना चालू होगा और नाइन के बाद देखो अब यहाँ पे दो डिजिट है यहाँ पे दो डिजिट है तो आप टोटल अगर डिजिट काउंट करो तो क्या होगा नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो इस जो संख्या है इस अंक में इस नंबर सॉरी इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं 11 डिजिट नहीं है कितने डिजिट हैं 13 डिजिट्स हैं कितने डिजिट्स हैं 13 डिजिट्स हैं तो आप देखो कि ये क्या हो गया आप देखो तो मतलब जैसे ही 9 के बाद स्टार्ट हुआ अब हर संख्या में दो-दो डिजिट हो गए कि नहीं हो गए अब हर संख्या में दो-दो डिजिट हुए इसीलिए आपके टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं यहां पे 13 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं समझना चाहूं तो यहां पे आप देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन टू नाइन यहां पे क्या होता है नाइन नंबर होते हैं और कितने डिजिट्स होते हैं नाइन डिजिट्स भी होते हैं ठीक है ना एक से लेके नौ तक नौ नंबर भी होते हैं और उतने ही डिजिट्स भी होते हैं लेकिन जैसे ही आप नौ से ऊपर जाओगे दस से जाओगे और दस से लेके कहा तक निन्यानबे तक दस से लेके कहां तक निन्यानबे तक तो अब देखो कितने नंबर हो जाएंगे यहां पे अब अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर कितने नंबर होंगे तो मैं हमेशा बोलता सिंपल तरीका है अगर एक से लेके निन्यानबे तक होता तो निन्यानबे नंबर होते लेकिन आपने शुरुआत के नौ नंबर हटा दिए हैं भाई एक से लेके नौ तक नहीं है तो आप निन्यानबे में से नौ हटा दो कितने बच जाएंगे नब्बे नंबर बच जाएंगे और अब यहां पे क्या है पहले ये ये सिंगल डिजिट नंबर था, अब ये क्या है टू डिजिट नंबर है हर एक नंबर नंबर कैसा है? है, टू डिजिट तो नब्बे नंबर में कितने डिजिट हो जाएंगे नब्बे नंबर में 180 डिजिट्स हो जाएंगे ये आपको समझ में आना चाहिए आप इस चीज को यहां भी देख सकते हो कि हर नौ के बाद हर संख्या में अब दो दो डिजिट आने लगे इसीलिए नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे तेरह हो गए थे क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं दो अंक ज्यादा थे ठीक है ना अब उसके बाद आप देखो अगर मैं तीन डिजिट की नंबर की बात करूं तो हंड्रेड टू नाइन नाइनटी नाइन अब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे टोटल नंबर हो जाएंगे आपके नौ ठीक है ना वही सेम लॉजिक एक से लेके 999 तक 999 नंबर हैं। शुरुआत के 99 नंबर हटा दो कितने नंबर बच गए 900 बच गए और अब ये नंबर कैसे हैं अब ये नंबर हर नंबर तीन डिजिट का नंबर है कि नहीं अब हर नंबर कैसे हैं भाई देखो आपका 100 के बाद क्या हो गया तीन डिजिट नंबर स्टार्ट हो गया थ्री डिजिट नंबर तो अब क्या होगा अब टोटल नंबर जो आएंगे वो आपके आ जाएंगे नौ टू सेवन टोटल डिजिट सॉरी टोटल डिजिट कितने आएंगे टोटल डिजिट्स आपके आ जाएंगे ठीक ah, है इसी तरीके से आप इसको आगे भी निकाल सकते हो अब देखो इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए विदाउट सॉल्विंग दिस कि नंबर ऑफ अगर मैं एक से लेके निन्यानबे तक के नंबर लूंगा तो टोटल डिजिट जो यूज होती है वो कितनी होती हैं 189 डिजिट्स यूज हो रही होती है अगर मैं एक से लेके 999 तक लूंगा तो टोटल कितने यूज होंगे 2700 प्लस 189 2889 डिजिट्स यूज हो रहे होंगे अगर मैं एक से लेके 999 सौ 999 नंबर तक लेता हूँ तो एटलीस्ट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अब देखो इसको ना हम लोग एक पैटर्न बना लेते हैं जिससे कि मान लो कई बार एग्जाम से पूछ ले से हमने ये तो देख लिया कि ये वन डिजिट नंबर है टू डिजिट है थ्री डिजिट है अगर मैं आपसे पूछ लू कि नंबर ऑफ फिफ्टी डिजिट्स नंबर ठीक है ना हमने वन डिजिट निकाल लिया टू डिजिट निकाल लिया थ्री डिजिट निकाल लिया अब 50 डिजिट्स नंबर निकालने हैं हमको तो कैसे करेंगे तो अगर आप पैटर्न देखो तो कैसा बन रहा है पैटर्न पैटर्न कुछ ऐसा नहीं बन रहा है कि जब हम वन डिजिट नंबर निकाल रहे थे वन डिजिट्स नंबर निकाल रहे थे तो हमने क्या किया नौ तो हमेशा कॉमन रहेगा इनटू टू वन डिजिट निकाल लेते थे तो हमने टेन की पावर जीरो कर दिया यहाँ पे मतलब एक कम कर दिया आंसर आ गया नाइन अगर मैं टू डिजिट्स नंबर निकालूं, तो मैंने कहा नाइन तो यहाँ कॉमन रहेगा अब टू डिजिट है तो टेन की पावर एक लेस कर दो तो ये वन हो जाएगा तो यहाँ पे आंसर 90 आ गया ये टोटल नंबर निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं निकालना है अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है तो अब यहाँ पे आपको दो से गुणा करना पड़ेगा ठीक है ऐसे अगर मान लो मैं थ्री डिजिट्स नंबर निकालूं ऐसे अगर मान लो मैं यहां पे ऐसे अगर मान लो मैं यहां पे थ्री नंबर निकालू कितना हो जाएगा? Into, अब यहाँ पे थ्री है तो टेन की पावर एक लेस कर दो तो कितना आ जाएगा ये आपका नाइन हंड्रेड आ जाएगा तो थ्री डिजिट्स नंबर नाइन हंड्रेड आ गए अगर मुझे नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो तीन से गुणा करना पड़ेगा सिमिलरली ऐसे अगर मुझे सपोज कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ फिफ्टी डिजिट्स नंबर तो मैं क्या कर रहा हूँ मतलब टेन की पावर फोर्टी तो नाइन ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब अगर मुझसे कोई पूछ ले नंबर ऑफ हंड्रेड डिजिट्स नंबर तो क्या करूंगा मैं नाइन इंटू टेन की पावर नाइनटी नाइन

तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आपके बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसा ऐसा दे सकता है कि ऐसा दिया है कि दिया अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे कह रहा है फाइंड लास्ट फोर डिजिट फाइंड लास्ट फोर डिजिट्स अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे कहीं पे क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया होता कि आ, ऐसे कुछ लिखा होता वन टू थ्री फोर टिल थर्टी फोर थर्टी फाइव मान लो ऐसा दिया होता तब मैं क्या बोलता तब मैं बोलता कि भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट की फोर डिजिट क्या आएगी थ्री फोर थ्री फाइव आ जाएगी लेकिन यहाँ पे तो ये चीज तो नहीं दे रखी है हमको क्या दे रखा है हमको बोला जो ये नंबर है इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं 35 डिजिट्स हैं अब वो नंबर अंत क्या आएगा कहां पे जाएगा ये हमको नहीं पता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सर्टेन पैटर्न है उस पैटर्न को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो चीज सॉल्व हो सकती है देखो अब क्या करना होगा हमको अगर हम यहाँ पे देखें कि वन टू लेके नाइन तक यहाँ पे हमारे नाइन नंबर्स हैं और ये हमारे टोटल डिजिट्स भी हो जाएंगे यहाँ पे क्योंकि अभी तक सिंगल लेकिन यूज थर्टी फाइव डिजिट हो रहे हैं तो कितने डिजिट बच गए आपके आप देखो अगर मैं थर्टी फाइव माइनस कर दू तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स डिजिट और होंगे मतलब इस नौ नंबर के बाद छब्बीस डिजिट्स और होंगे लेकिन अब समझो यहां पे कि जब नौ नंबर के बाद जैसे ही आप दस पे आओगे के लिए आपको दो डिजिट का यूज करना पड़ेगा कि नहीं भाई वन और जीरो मान लो मुझे पंद्रह बनाना है तो पंद्रह बनाने के लिए मुझे वन और फाइव दो डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा कि नहीं तो अब अगर छब्बीस डिजिट्स है तो अब जो नंबर बनेगा वो दो डिजिट का बनेगा इसीलिए 26 डिजिट से आप टोटल कितने नंबर बना सकते हो टोटल 13 नंबर और बना सकते हो इसके आगे ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए तो अब देखो टोटल क्या हो गया भाई 13 नंबर ये हो गए नौ नंबर ये हो गए टोटल लास्ट नंबर क्या होगा तेरह प्लस नौ आपका बाईस तो मतलब कि ये संख्या कैसी हो रही होगी ये पूरा नंबर जो आपका है वो कैसा होगा कुछ ऐसा होगा टू थ्री फोर टिल हो रहा होगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ठीक है ये पूरी आपकी संख्या होगी इस संख्या को लिखने में टोटल डिजिट्स जो यूज होंगे वो कितने होंगे थर्टी फाइव होंगे एक के लिए मैं कर दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे एक के लिए मैं देखो आप चाहो तो ये छोटा नंबर इसीलिए हमने लिया था आप चाहो तो इसे काउंट भी कर सकते हो देखो अगर मैं इसको लिखूं पूरा, तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन 20 21 22 ठीक है तो अब अगर आप यहाँ पे इसको देखो तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे कुल कितने डिजिट्स हैं ये तो दिख ही रहा है हमको कि भाई यहाँ तक हमारे टोटल नाइन डिजिट्स हैं यहां तक हमारे कितने हैं टोटल नाइन डिजिट्स हैं ये तो हमें दिख ही रहा है अब क्या बचा हमारा अब हमारा जो ये वाला पार्ट है इसमें काउंट करो अब हर संख्या में क्या है हर संख्या में हमको दो डिजिट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह मतलब यहाँ पे टोटल सोलह डिजिट्स और यूज हुए हैं अब आगे देखो दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दस डिजिट्स और तो अब अगर आप सबको एड ऑन करो तो कितना मिल जाएगा टोटल थर्टी फाइव मिल जाएंगे तो चाहे आप इसको वन टू थ्री फोर करके ऐसे करके टिल फोर इक्कीस बाईस लिख दो बात बराबर ही है दोनों चीजें आपकी एक ही हैं और आप देख लो इसको लिखने में टोटल हमें जो नंबर यूज हुआ है वो नंबर कितना या टोटल अंक कितने यूज हुए सॉरी टोटल अंक हमारे जो हैं 35 यूज हुए हैं तो इसका मतलब इसकी अंतिम चार संख्याएं क्या आ जाएंगी अंतिम चार संख्याएं 21 बाईस आ जाएंगी, ठीक है अब यहाँ पे देखो एक कंफ्यूजिंग वाला जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है ये तो सिंपल था अब जैसे मान लो एक और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट पे जैसे मान लो ऐसे दे दे वन टू थ्री फोर टिल सेवेंटी डिजिट्स आपसे फिर से वही कह रहा है फाइंड द अब कुछ भी पूछ सकता है फाइंड द लास्ट फोर डिजिट फाइंड द लास्ट फाइव डिजिट फाइंड द लास्ट टू डिजिट वन कुछ भी पूछ सकता है तो ऐसे केस में क्या करोगे सबसे पहले आप निकालो जल्दी जल्दी करते हैं एक से लेके नौ तक आपका नाइन डिजिट्स हो गए कितने डिजिट्स आपके बच गए पचहत्तर मा से नौ आपने यूज कर लिया पचहत्तर मा से नौ माइनस किया ये आपका आ गया सिक्सटी डिजिट्स बच गए आपके अब आपका चूंकि हर नंबर दो डिजिट का होगा तो सिक्सटी सिक्स डिजिट लेके आप कितने नंबर बना थर्टी थ्री नंबर और बना पाओगे इसके आगे कितना बना पाएंगे हम इसके आगे 33 नंबर और बना पाएंगे तो कुल नंबर कितने हो गए थर्टी थ्री प्लस नाइन ये कितना आ गया ये फोर्टी टू आ गया मतलब कि इसी सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो वन टू थ्री फोर डॉट 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 सो ऑन फोर्टी वन फोर्टी टू क्योंकि अंतिम संख्या क्या होगी आपकी फोर्टी टू हो रही होगी तो इस सेम चीज को आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस सेम चीज को आप इस तरीके से भी पूरा प्रॉपर कर सकते हो तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये चीज सॉल्व हो रही है तो बोथ आर सेम अब अगर अंतिम तीन संख्या पूछ रहा है तो वन फोर टू हो जाएगी अंतिम चार संख्या पूछ रहा है तो फोर वन फोर टू हो जाएगी ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जहां पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं जैसे देखो अगर मान लो मैं एक नंबर को लिखू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व का मैंने सिर्फ वन लिया मतलब अगला नंबर आएगा बारह लेकिन मैंने सिर्फ उसको वहां वन लिखा तो अब देखो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करूं तो नंबर ऑफ डिजिट कितने दो चार एक पांच डिजिट ये हो गए तो टोटल आ गया आपका फोर्टीन डिजिट अब इसी सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वन टू थ्री फोर टिल फोर्टीन डिजिट्स मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया अब जब मैंने इस चीज को ऐसे लिखा तो अब हम देखो हम करते कैसे हैं है क्वेश्चन है, है। इस तरीके से दिया हुआ है और हमको निकालना है कि अंतिम की चार संख्या या दो संख्या या तीन संख्या कौन सी होगी तो हम कैसे करेंगे अभी तक हम क्या करते आए हैं एक से लेकर नौ तक हमारे नौ नंबर्स होंगे और उसमें नाइन ही डिजिट होंगे अब हमने चौदह मा से नौ डिजिट को यूज कर लिया कितने डिजिट बच गई चौदह मा से नौ माइनस किया तो हमारी टोटल बच गई फाइव डिजिट्स अब हमें पता है कि इसके बाद जो नंबर आता है वो सबके सब दो डिजिट नंबर होते हैं तो फाइव डिजिट को लेके कि कितने नंबर बन, बन सकते हैं अब यहाँ पे आया टू एंड हाफ नंबर बन सकते हैं अब यही पे सारी कंफ्यूजन चालू हुई कि सर टू तो समझ में आता है तीन नंबर समझ में आता है टू एंड हाफ नंबर का मतलब क्या है तो आप इसको देखो इसको आप कैसे कहोगे कि नौ के बाद दो नंबर और हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ के बाद दो नंबर और हैं तो दस और ग्यारह ये आपके दो नंबर और हैं और ग्यारह होने के बाद आपका आधा नंबर है तो आधा नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो अगला नंबर आएगा अगला नंबर क्या है बारह है बारह में आपसे कितने डिजिट हैं दो हैं लेकिन आपको कितना यूज करना है आधा यूज करना है तो आधा का मतलब क्या हुआ बारह का वन एंड टू लिखा हुआ है हम दो पार्ट में बांटे तो अगला क्या आएगा अगला यहाँ पे वन आ रहा होगा तो इस हाफ का मतलब ये हुआ कि जो आपका अगला नंबर है उसका आप आधा डिजिट ले रहे हो तो अगर दो डिजिट का नंबर है तो हम उसमें से एक डिजिट ले रहे होंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तो ये थोड़ा समझने में कई बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है छोटा so छोटा ही लेते हैं यहां पे हमारे अठारह डिजिट्स हैं अब अट्ठारह डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कैसे करेंगे हम लोग एक से लेके नौ तक नाइन डिजिट्स आ गए कितने डिजिट्स बच गए 18 में से 9 माइनस किया 18 में से आपका 18 में से 9 माइनस किया हमने तो कितने बच गए नाइन डिजिट्स आपके और बच गए यहाँ पे कितने बच गए नाइन डिजिट्स और बच गए अब हर संख्या जो बनेगी अट्ठा नौ के बाद या हर जो नंबर बनेगा दो डिजिट का होगा तो नाइन डिजिट्स लेके फोर एन हाफ नंबर और बन जाएगा का मतलब क्या हुआ कि ये one, two, three, four, five, कहां तक जा रहा होगा Six, seven, eight, nine. Nine के बाद तो बारह तेरह और आधा और है तो तेरह के बाद चौदह आता है चौदह का सिर्फ हम एक लेंगे मान लो अंतिम चार संख्या पूछी हुई है तो टू वन थ्री वन आपकी अंतिम चार संख्या यहाँ पे हो जाएगी तो ये आधा आपको समझ में आना चाहिए बस इसका देखो तो एक तरीका और भी है कि जैसे मान लो आपको ऐसा दे दे वन टू थ्री फोर टिल एटीन डिजिट देखो अगर यहाँ पे विषम नंबर दे रखा है तब तो हम आसानी से कर लेते थे क्योंकि जब विषम नंबर में से नाइन घटाते थे तो हमें सम नंबर मिलता था और दो से भाग हो जाता था लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या दे रखी है इवेन नंबर दे रखा है तो ऐसे केस में आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लो इंस्टेड ऑफ 18 अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं 17 डिजिट तक तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं और भाई 17 तक हमने सॉल्व कर लिया उसके बाद एक डिजिट और है वो हम लगा देंगे वहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को 70 डिजिट से सॉल्व करूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है 1 से लेकर 9 तक हमारा कितना है नाइन डिजिट्स हैं एक से लेके नौ तक हमारा कितना है नाइन डिजिट है अब सत्रह मै से नौ यूज कर लिया कितने बच गए आपके ये आपके बच गया आठ डिजिट्स और बचे तो इसका मतलब क्या हुआ अब हर संख्या जो है आपके नौ के बाद दो अंक होंगे तो आठ डिजिट लेके आप चार नंबर और बना पाओगे तो इसका मतलब संख्या कैसी हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन क्यों चार नंबर था तो एक दो तीन चार नंबर ले लिया हमने अब देखो लेकिन अब क्वेश्चन में तो अट्ठारह डिजिट दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसके बाद एक संख्या और लगानी पड़ेगी क्यों सॉरी एक अंक और लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमने अभी तक सत्रह डिजिट कर लिया था क्वेश्चन में अठारह दे रखा है तो हमें इसके बाद एक अंक और लगाना पड़ेगा यहां तक सत्रह हो गया और ये वन लग के क्या हो जाएगा अठारवा हो जाएगा तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा अब देखो इसमें ना आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं डिविजिबिलिटी वाले पे वो देख लेते हैं एक बार जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा वन टू थ्री फोर डॉट 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 सो ऑन एटी सिक्स डिजिट डिवाइड बाई एट डिवाइड बाई एट फाइंड द रिमाइंडर आपसे बोल देगा फाइंड आउट रिमाइंडर हमें यहाँ पे आर निकालना है निकालना है। अब आठ की मैंने आपको बताया था, अंतिम तीन संख्या हम देखते हैं. तो इवेंट तो दिया हुआ तो हम या तो वन माइनस करके निकाल लें या तो वो हाफ का हम समझ पाए दोनों ऑप्शन है हमारे पास एक माइनस करके हम लोग यहाँ निकालते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा वन टू थ्री फोर

और अब 9 के बाद हर नंबर दो डिजिट का होगा तो 76 डिजिट लेके आप कितने नंबर बना पाओगे uh, 38 नंबर्स आपके और बन पाएंगे अब 38 वो नंबर है आठ नंबर नौ uh, नंबर इधर है तो 38 प्लस 9 ये आपका आ जाएगा 47 तो इसका मतलब क्या हुआ इस वाले क्वेश्चन को जहां पे वो 85 तक था मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं 1 2 3 4 अंतिम चार अंक कौन से होंगे 4647 क्योंकि 47 तक है ये इस वाले का है लेकिन आप देखो अगर आप एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था 86 डिजिट हैं इसमें कितने डिजिट्स आ गए इसमें 85 डिजिट्स आ गए हैं टोटल ठीक है ना लेकिन आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में 86 डिजिट दे रखा है तो वो कैसे निकालेंगे मतलब क्या हुआ 47 के बाद मुझे एक डिजिट और लेना पड़ेगा और वो कैसे लेंगे 47 के बाद 48 आता है तो लेकिन 48 पूरा नहीं लेंगे क्योंकि अगर मैं 48 पूरा ले लूं तो ये 85 प्लस 2 87 हो जाएगा मुझे चाहिए 86 तो मैं क्या करूंगा मैं सिर्फ यहां पे 4 ले लूंगा ठीक है ना तो अब संख्या क्या बन गई हमारी संख्या बन गई फोर सिक्स फोर सेवन फोर लास्ट के पांच अंक हो गए हमें करना क्या है हमें आठ से भाग देके रिमाइंडर निकालना है तो मैंने आपको बताया था आठ का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं हम लोग आठ के डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग तीसरी संख्या को देखते हैं तीसरी संख्या अगर इवन है तो कुछ नहीं करना होता सिर्फ अंतिम दो संख्या को आप भाग दे दो आठ से आठ नवा बहत्तर दो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा अगर तीसरी संख्या इवन है या जीरो है तो हम चौहत्तर को आठ से भाग दे देंगे सिर्फ अंतिम दो संख्या को भाग देंगे अगर मान लो ये ऑड होती तो हम क्या करते अंतिम दो संख्या में चार जोड़ के भाग दे देते वो हमारा आंसर निकल के आता अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज आप पिछला वाला वीडियो देख के आओ वहां पे मैंने हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों ऐसा करते हैं और ये आपका बहुत टाइम सेव कर देगा ठीक है ना तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम आसानी से कर सकते हैं अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जैसे मान लो ऐसा दे दे कुछ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन नाइनटी थ्री डिजिट आपसे कह रहा है फाइंड लास्ट थ्री देखो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से बना रहा हूं आप चाहो तो इसको डिवाइड बाई रिमाइंडर पूछ लो आप चाहो तो डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ लो आठ में अंतिम तीन संख्या देखनी होगी सोलह में अंतिम चार संख्या देखनी होगी बत्तीस में अंतिम पांच संख्या देखनी होगी कुछ भी आपसे पूछे डिविजिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन यहां बन सकते हैं ठीक है ना अब देखो इस क्वेश्चन को हमें एक चीज पता होना चाहिए कि अब इसको सॉल्व करने नहीं जाना है हमें जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक से लेके वन टू थ्री फोर टिल निन्यानबे तक हमारी संख्या अगर लिखी हुई है तो हमको पता था एक से लेके नौ तक आपकी कितनी संख्याएं नौ होती हैं नौ अंक भी होते हैं नौ के बाद हर संख्या में दो अंक यूज होते हैं तो एक से लेके निन्यानबे तक ये आपके टोटल वन एटी नाइन डिजिट यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं ये हमने पीछे अभी आपको बताया था तो अगर एक से लेकर होता तो 189 हो रहे, हो रहे हैं तो, है? है। तो अब देखो कि ये फोर डिजिट जो यूज हो रहा है ये कैसे हो पाएंगे निन्यानबे के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी अगली संख्या आएगी वन जीरो सौ आएगी सौ में आपने तीन अंक को और यूज कर लिया तो ये 189 प्लस 3, अभी आपको एक अंक और यूज़ करना है क्योंकि टोटल चार डिजिट है तो वो अब अगली संख्या एक सौ एक होगी एक सौ एक का सिर्फ आपको एक यूज करना है तो ये अब क्या पूछा हुआ अंतिम तीन संख्या पूछी हुई है अंतिम तीन संख्या जीरो जीरो वन हो जाएगी कितनी जाएगी जीरो जीरो से, तो तो से, से, से भाग करना होगा तो एक हजार एक को सोलह से भाग कर देंगे अगर मान लो कहते बत्तीस तो बत्तीस के लिए अंतिम पांच संख्या चाहिए होती है तो नाइन वन जीरो जीरो नाइन आप इसको बत्तीस से भाग दे दो आपको रिमाइंडर वहां पे मिल जाएगा तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए

तो हमको पता है अगर 16 से भाग देना है तो हमें अंतिम की चार संख्या चाहिए अब यहां पे तो नंबर ऑफ डिजिट दे रखा है संख्या दे नहीं रखी है तो हम क्या करेंगे मैंने आपसे कहा अगर ये दे रखा है तो इसको मैं निकालूंगा वन टू थ्री फोर टिल सेवेंटी फाइव डिजिट तक हम हम इसको एक कम करके निकाल लेते हैं आप चाहो तो बिना कम किए भी निकाल सकते हो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं अगर मैं एक कम कर दूं यहाँ पे तो कितने डिजिट हो जाएंगे 75 डिजिट हो जाएंगे अब निकालते हैं कि अंतिम इस अगर ये दिया हुआ है तो अंतिम चार संख्या क्या आएगी कैसे करेंगे एक से लेके नौ तक हमारे नाइन डिजिट्स हो गए और नाइन संख्याएं भी हो गई कितनी संख्या बच गई सेवेंटी फाइव माइनस नाइन किया सिक्सटी सिक्स आपके डिजिट बच गई और अब हमको पता है कि अब हर संख्या जो होगी वो दो अंकों की होगी

अब अगर क्वेश्चन दिया होता सिर्फ 75 डिजिट तक तब तो हम यही अंतिम चार संख्या को भाग देखे देख लेते हैं लेकिन क्वेश्चन में 76 डिजिट दिया हुआ है अगर यहाँ तक मैं लिखूँ एक से लेके बायालिस्त तक मैं लिखूँ तो टोटल में कितने अंक यूज़ करूँगा 75 अंकों को यूज़ कर डिजिट यूज कर रहा होऊंगा लेकिन यहाँ पे टोटल 76 है तो मुझे एक और नम, ए, संख्या ऐड एक और सही नोट संख्या एक और डिजिट ऐड करना पड़ेगा तो अगली डिजिट कौन सी आएगी अगला नंबर आएगा 43 लेकिन मुझे यहां पे सिर्फ 4 लेना है तो यहां तक आपके 75 डिजिट्स हो गए और एक और मिला दिया प्लस वन तो 76 तो अंतिम की चार संख्या आपकी बन गई 1424 अब मुझे इसको 16 से भाग देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये ये डिविजिबल है कि नहीं बार जाएगा एक सौ डिविजिबल हो जाएगा मतलब आपका रिमाइंडर कितना आ रहा होगा जीरो आ रहा होगा तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है देखा जाए तो ये क्वेश्चन है इसका आपको अगर ये दे रखा है वन टू थ्री फोर 75 फाइव डिजिट मतलब एक ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें एक से स्टार्ट है, कुल 76 तक है तो वो अंतिम की चार संख्याएं कौन सी आएंगी ये निकालना इस क्वेश्चन का एम है अगर ये निकल गया तो भाग तो कोई भी दे लेगा आंसर तो वहां से आसानी से निकल जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आगे बढ़ते हैं

अब आपसे पूछ रहा है कि उस बुक में कितने पेजेस हैं इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दू वन टू थ्री फोर थ्री जीरो एट नाइन डिजिट अब बताओ अंतिम की संख्या कौन सी आएगी अब बताओ मुझे अंतिम की संख्या कौन सी आएगी यही क्वेश्चन तो है कि आपने एक से लेके प्रिंट करना चालू किया और इतने डिजिट तक प्रिंट किया है, अब एक पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज चौथा ऐसे सोवा दो सौवा इस तरह चल रहा होगा तो यहां तक आप यूज कर है। इतने आपने अब बताओ अंतिम कौन सा नंबर आएगा आपका यहाँ पे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वही सेम लॉजिक भाई एक से लेकर नौ तक आपकी नौ संख्याएं होंगी नौ अंक भी होंगे ठीक है ना फिर 10 से लेके 999 तक आपके डिजिट कितने होंगे ये आपके 180 डिजिट हो जाएंगे फिर 100 से लेके 999 तक ये आपके हो जाएंगे 2700 डिजिट ये हमें पता है पहले से और इसको आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे कहता कि 1 से लेके अगर मैं 2889 डिजिट यूज कर रहा हूं टोटल तो अंतिम पेज कौन सा होता अंतिम पेज 999 होता कि नहीं होता भाई अगर आप एक से लेकर 999 तक के पेजेस डाल दो एक दो तीन चार ऐसे 10 के बाद 100 के बाद 999 तक पेज तक गए तो कुल कितने डिजिट आपने यूज किए कुल आपने डिजिट यूज किए 2889 लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने डिजिट नहीं यूज हुए डिजिट यूज हो रहे हैं थ्री जीरो तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा और कितने डिजिट यूज हो रहे हैं थ्री -28, uh, जीरो है तो अगर आप देखो तो एक्स्ट्रा कितना यूज हो रहा है एक्स्ट्रा आपके दो सौ डिजिट और यूज हो रहे हैं कि नहीं अब जाहिर सी बात है कि 999 के बाद जो भी अंक आएंगे उसमें क्या होगा जो भी संख्या आएगी उस संख्या में चार अंक होंगे कि नहीं होंगे भाई नौ सौ निन्यानबे के बाद जो भी मान लो प्रिंटर चाहता है थाउजेंड को प्रिंट करना तो थाउजेंड में आपके कितने अंक होंगे कितने डिजिट होंगे चार डिजिट होंगे कि नहीं मान लो वो चाह रहा है एक हजार एक प्रिंट करना तो एक, हजार एक में भी चार डिजिट होंगे तो आप समझो कि अब ये जो दो डिजिट हैं अब आपको चार चार अंकों को यूज करके एक संख्या बनेगी तो जाहिर सी बात है 200 डिजिट है तो हमें इसको चार से भाग करना पड़ेगा क्यों चार से भाग कर रहे हैं क्योंकि अब हर एक पन्ना या हर एक नंबर बनाने के लिए हमें चार अंक चाहिए तो अब इसमें बताओ कितने अंक बन पाएंगे टोटल आपके आ, कितने नंबर बन पाएंगे सॉरी तो ये कितने नंबर बनेंगे टोटल आपके 50 नंबर और बन रहे होंगे मतलब 999 के बाद वो प्रिंटर जो है वो 50 नंबर और आगे प्रिंट कर पा रहा होगा तो अंतिम हाउ मेनी पेजेस डस द बुक हैव तो कितने पेजेस हो गए भाई 999 पेज ये हो गए और इसके बाद 50 पेज और हो गए आंसर कितना आ जाएगा आपका आंसर आपका 1049 आ जाएगा तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपको डायरेक्टली अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये डेटा पता होना चाहिए डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए इसके बाद बस ये दो लाइन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा जो आप चाहो तो मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड

अब बताओ इस 150 पन्ने को प्रिंट करने में कितने आपको डिजिट यूज हुए होंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है जस्ट रिवर्स कर दिया तो हमको पता है कुछ कुछ चीजें आप चाहो अगर हम एक से लेके निन्यानबे पेजेस तक प्रिंट करते तो कुल कितने डिजिट यूज होते 189 डिजिट यूज होते कि नहीं वही सेम लॉजिक एक से लेके नौ तक नाइन और 10 से लेकर 99 तक 180 टोटल आ गया 189 ठीक है ना लेकिन अब आप यहां पे देखो पेजेस जो हैं वो 99 तक नहीं है अगर वो हो क्वेश्चन होता कि 1 से लेकर 99 तक पेजेस हैं तो हम आंख बंद करके बता देते कि टोटल 189 डिजिट वहां पे यूज हुआ है लेकिन कुल कितने पेजेस हैं कुल 150 पेज है तो आप देखो निन्यानबे के बाद 100 से लेके 150 तक 100 से लेके 150 तक अब यहाँ पे कितने पेजेस बच गए अब देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कितने पेज हैं यहाँ पे 50 आएगा इक्यावन आएगा उनचास आएगा तो कैसे करेंगे अगर 1 से लेके 150 पेजेस होते तो 150 टोटल आता लेकिन आपने शुरुआत के निन्यानबे हटा दिया है तो अगर मैं पच, 150 में निन्यानबे हटा दूं तो कितना बच जाएगा 51 पेजेस बचेगा कि नहीं बचेगा इसका एक तरीका और भी होता है 150 फिफ्टी माइनस हंड्रेड प्लस वन ठीक है तो टोटल अब बच गए 51 पेजेस ठीक है और आप समझो यहां पे अब हर पेज में क्या होगा भाई निन्यानबे तक 10 से लेकर 99 तक दो-दो संख्या यूज हो रही है हर पेज पे अब 100 से लेकर 150 तक अब क्या होगा हर पेज पे तीन-तीन संख्या यूज हो रही है कि नहीं तो टोटल 51 पेज हैं हर पेज पे तीन-तीन संख्या यूज हो रही है तो कितना आ जाएगा तीन एक कम तीन 5 तीन पंद्रह मतलब इतने डिजिट्स और चाहिए होंगे उसको तो यहां तक चाहिए थे 189 डिजिट 153 डिजिट और हो गए आपके 9312 तो के दो हासिल लगा एक आठ एक नौ नौ पाँच चौदह के चार हासिल लगा एक और 342 आपका आंसर इसका आना चाहिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर आपका बी हो जाएगा देखो तो सिंपल सा है दो ही चीज पूछेगा या तो वो डिजिट दे, दे देगा कि एक से लेके इतने डिजिट तक है बताओ पेजेस कितने होंगे या लास्ट संख्या क्या आएगी या उल्टा कर देगा कि भैया एक से लेकर डेढ़ सौ तक आपका नंबर अगर आप आप प्रिंट कर रहे हो तो आप बताओ डिजिट कितने इसमें आ रहे होंगे तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं तो बस आपको ये पता होना चाहिए अगर पेजेस दे रखे हैं तो डिजिट कैसे निकालेंगे डिजिट दे रखा है तो पेजेस कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में बस आना चाहिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पर तो नहीं डिविजिबिलिटी का है अच्छा क्वेश्चन है कर लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है नंबर एन इज फॉर्म बाय राइटिंग एन फॉर 99 टाइम्स राइटिंग नाइन फॉर 99 टाइम्स मतलब आपने नौ को लिखा हुआ है कितनी बार नौ को लिखा हुआ है नाइन नाइनटी टाइम्स नॉट नाइन नाइनटी टाइम्स नाइनटी टाइम नाइनटी टाइम्स अब आप क्या कर रहे हो इसको तेरह से भाग दे रहे हो अब देखो आपको यह पता है तेरा का जो डिविजिबिलिटी रूल है हम क्या करते तो बार लिखूंगा तो एक प्लस होता है एक माइनस मैंने आपको तेरा का डिविजिबिलिटी रूल पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है तो यहां पे क्या आता है माइनस दोनों करते रिमाइंडर जीरो मिल जाता मतलब जब जब छे, -छे का पेयर बनेगा तो आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा कि नहीं मान लो मैं इसको बारह बाल लिख दू तब भी रिमाइंडर जीरो हो जाएगा अगर मैं 18 बाल लिख दू, जैसे अगर मैं बारह बाल लिखू एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीन तीन का पेयर बनाओ सॉरी दो ये तीन तीन का पेयर बना ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस या तो आप इसको इसको जोड़ दो इसको इसको जोड़ के माइनस कर दो या तो फिर आप बगल बगल वाले में कर लो भाई ये ये प्लस माइनस जीरो आ गया ये प्लस माइनस जीरो आ गया रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ जाएगा मतलब छे छे का पेयर जब बनेगा तो रिमाइंडर जीरो आता रहेगा अब अगर छे छे का पेयर बनने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो आप देखो छे से पहुंचने की कोशिश करो ये कितनी बार लिखा हुआ है निन्यानबे टाइम्स लिखा हुआ है अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूसरे सिक्स तो क्या, तो क्या है छह से डिवाइड हो रहा है सोलह छानबे तो मतलब सोलह पेयर बन रहे होंगे इसके कि नहीं भाई ये पहला पेयर फिर दूसरा पेयर तो ऐसे क्या हो रहा होगा अब ये

तीन बार आपको नौ और मिल रहा होगा मतलब अगर ये तीन बार नौ और है तो आपका सिर्फ यहां तक तो रिमाइंडर जीरो हुआ सिर्फ ये बच रहा होगा अब आप इसी को ही तेरा से भाग दे दो अगर मैं इसको तेरह से भाग दे दू अठहत्तर आपका ग्यारह जो है रिमाइंडर आ रहा होगा कितना रिमाइंडर आ रहा होगा भाई ये छह बार जाएगा सेवेंटी एट आएगा फिर आपका ये ग्यारह रिमाइंडर बच जाएगा तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है अब यहाँ पे तेरह की जगह सात दे सकता है सात में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है तीन तीन का पेयर बनता है तो बस नाइन नाइनटी नाइन को आप सात से भाग दे देना अगर मैं नीचे 11 दे दूं, 11 में भी तीन तीन का पेयर बनता है तो वहां पर दे रहा, दे रहा तो तो जीरो रिमाइंडर तो ऐसे ही छियानबे अगर संख्या होगी तो 16 बार ऐसे तीन तीन बनेगा ती, सॉरी तीन ये तीन ये बन के छह बन रहा है तो 16 बार ऐसा जीरो जीरो मिल रहा होगा आपको बाद में आपके तीन बार नौ और बच जाएगा तो टोटल आप बस इसको तीन बार जो नौ है उसको तेरह से भाग दे दोगे और आपका आपका कितना आ आ जाएगा आपका रिमेंडर आ जाएगा ये भी सिंपल क्वेश्चन था नंबर ऑफ टाइम डिजिट विल अच्छा ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया इसका में जब में आपको बता रहा हूँ तो को, को ले थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है अभी यहां पे

मतलब नौ के बाद पच्चीस आपके नंबर और होंगे अगर पच्चीस नंबर और हैं तो कैसे हो जाएगा वन टू थ्री फोर पच्चीस में नौ ऐड किया कितना आ गया चौतीस आ गया तो तैतीस चौतीस इस तरीके से कुछ आ रहा होगा मतलब इस सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर एक से लिखना चालू किया संख्याओं को और 59 डिजिट आप यूज कर रहे हो तो अंतिम की संख्या कहां तक जाओगे आप 33, 34 तक आप जा रहे होगे पूछा क्या हुआ है लास्ट थ्री डिजिट लास्ट थ्री डिजिट आपका थ्री थ्री फोर हो जाएगा ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ऑलरेडी तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा ये वाला अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया है वन टू थ्री फोर अब यहाँ पे टू ट्वेंटी वन डिजिट है अब देखो यहाँ पे समझो आप कि अगर मान लो ऐसा लिखा होता वन टू थ्री फोर डॉट 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 सो ऑन वन डिजिट्स तो हमको पता है अगर मैं एक से लेके निन्यानबे नंबर तक लिखता चला जाऊं तो उसमें कुल कितने डिजिट्स आएंगे 189 डिजिट्स आ रहे होंगे लेकिन यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 221 डिजिट्स हैं ठीक है ना तो अब हम क्या करेंगे मतलब क्या हुआ कि ये वन टू थ्री फोर टिल नाइनटी एट नाइनटी नाइन तक तो नहीं क्योंकि अगर यहाँ तक होता तो इतने डिजिट्स यूज हो रहे होते ठीक है ना लेकिन इसके आगे भी दे रखा आगे कितना बच गया अब देखो इसके आगे बच गया अगर मैं देखूं तो 21 इधर और 11 इधर डिजिट्स डिजिट्स और और बच गए इसको आप ऐसे समझो कि 189 के बाद 32 डिजिट्स और आगे दे रखे हैं और अब समझो कि 99 के बाद जो अगली संख्या आएगी अब उसमें कितना होगा हर संख्या में आपके तीन डिजिट्स हो रहे होंगे कि नहीं भाई सौ एक सौ एक सौ दो तो इसका मतलब क्या हुआ अगर 32 डिजिट्स हैं तो अगर मैं तीन-तीन का आपका जो नंबर है उसमें तीन-तीन आपके तीन-तीन अंक हैं तो कैसे करेंगे उसको हम अगर समझना है इसको तो आप देखो एक तरीका तो क्या है हम अगर 32 डिजिट दे रखे हैं तो हम कितने नंबर बना पाएंगे यहाँ से हम तीन से भाग दे देंगे अब जाहिर सी बात है 32 तीन से भाग हो नहीं रहा होगा तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं इसको फर्दर ब्रेक कर दे 32 को और चूंकि हम तीन तीन का बना रहे हैं तो हम देखें कौन सी संख्या जस्ट पहले इससे डिविजिबल होगी तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं थस, सकता हूं हूं कि कि नहीं नहीं डिजिट्स डिजिट्स प्लस टू मोर कर और ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि अब हमारी संख्या जो है उसमें तीन तीन, तीन अंक है तीन तीन डिजिट है हर नंबर पे तो हमें ऐसी संख्या लेनी जो दस तीन से आपका डिविजिबल हो जाए जस्ट इससे पहले बत्तीस से पहले वो तीस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ आप इसको ऐसे समझो यहाँ पे कि अब अगर मैं निन्यानबे के बाद तो तो डिजिट लेके मैं कितने संख्या, कितने आपकी संख्या बना पाऊं, कितने संख्या संख्या आपकी बना बना नंबर पाऊंगा तो इसका मतलब 10 नंबर और बन रहे होंगे कि नहीं मतलब निन्यानबे के बाद दस नंबर और बन रहे होंगे तो अगर दस नंबर और बनाऊ मैं यहाँ पे तो निन्यानबे में अगर मैं दस जोड़ दू तो मुझे कितना मिल जाएगा मुझे ये एक मिल जाएगा कि नहीं मतलब एक से लेके 109 तक अगर मैं लिख दूं एक से लेके मैं 109 तक लिख दूं तो कुल कितने डिजिट आपने यूज कर लिए कुल आपने यूज कर लिए 219 डिजिट्स ठीक है ना लेकिन अभी आप ध्यान दो कुल कितने डिजिट दे रखे हैं 221 डिजिट आपको दे रखे हैं तो अब आपको 109 से भी आगे बढ़ना पड़ेगा और लेकिन अब ध्यान रखना है अब आपको आपको तीन डिजिट की संख्या नहीं लेनी है आपको सिर्फ यहां पे दो डिजिट ही लेना है तो अगली संख्या कौन सी आएगी 110 आएगी लेकिन 110 का मैं क्या करूंगा मैं पूरा 110 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कितने डिजिट और बचे दो ही बचे हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे ग्यारह लिख रहा हूँ अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अंतिम थ्री डिजिट कौन सी आएगी तो अंतिम थ्री डिजिट आपकी नाइन वन वन हो जाएगी तो ये सिंपल तरीका है जिससे आप समझ सकते हो टोटल डिजिट थे आपके 221 मैंने आपसे कहा अगर आप 1 से 189 डिजिट तक लिखोगे तो आप 99 तक पहुंच जाओगे आगे आपकी 32 डिजिट्स और बच गए बत्तीस को मैंने लिखा तीस प्लस दो तीस क्यों लिखा क्योंकि अब इसके बाद संख्याएं जो होंगी वो तीन तीन अंकों की होंगी और तीन अंकों की तो आप बत्तीस डिविजिबल नहीं तीस डिविजिबल है तो मैंने इसीलिए ब्रेक कर दिया तीस प्लस दो अगर तीस डिजिट और होते तो हमारी दस संख्याएं और बन रही होती मतलब निन्यानबे के बाद दस संख्या मैंने जोड़ा तो एक नौ तक में जा रहा होता लेकिन यहाँ पे दो अंक उसके आगे हैं 109 के बाद अगली संख्या 110 आएगी लेकिन मुझे उसका सिर्फ दो लेना है दो अंक लेने हैं तो मैंने सिर्फ यहाँ 11 लिया 110 में जीरो हटा के 11 ले लिया अब अंतिम की तीन संख्या 911 आ जाएगी तो इस पे इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ये मैंने आपको नंबर ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर किया अभी एक साइड सेशन और बचा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल पे उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके बाद फिर एक देख सकते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे कुछ क्लासेस बनानी है क्या अदरवाइज में सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन वाला पार्ट आपका डिविजिबिलिटी पे लेके चल रहा हूं अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज आप इनको लाइक like और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर टुडे